राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप पे भरोसा है वही इस दुनिया में विनर है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वीडियो सीरीज में इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या होता है, मीनिंग समझेंगे, कौन कौन सी इवेंट्स इसमें होती है, क्या क्या स्पेशल पॉइंट आपको याद रख लेने हैं ताकि नीट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम लगाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे, एक एक पॉइंट सुनेंगे। और एक अगर आपने बहुत बार पढ़ रखा है फिर भी समझ में नहीं है, इस वीडियो के बाद में मैं गारंटी लेता हूँ ये पूरा टॉपिक आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो आइएगा मेरे साथ में। इम्प्लांटेशन का मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग ये समझेंगे कि एक लिविंग पार्ट होगा, एक लिविंग सेल मास होगा जो मदर वॉल के साथ में, मदर की एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में जाके चिपक जाएगा, इसे ही अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। लेकिन ये बोलना बहुत ईजी है, इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे और सिक्वेंस से समझेंगे ताकि दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यहाँ पे सारे लोग ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे चल रही है। देखो क्यों, एक अपन बनाते हैं यहाँ पे स्पर्म सेल, मैंने स्पर्म सेल बनाया और एक में बनाता हूँ यहाँ पे एक सेल, और ये दोनों गैमेट है, ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे एक 2n कंडीशन बनती है और इस 2n कंडीशन को अपन जायगोट बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि जायगोट क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कई बच्चे इसे 2n कंडीशन देख के ये बोलते कि नहीं नहीं ये दो सेल है इसमें, ये बाई सेलुलर कंडीशन है, ये मल्टी सेलुलर कंडीशन नहीं है, ये जो 2n कंडीशन है क्रोमोसोमल फेज है, ये 2n कंडीशन नहीं है, पूरी एक ही सेल है। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट फॉर्म हो गया। अब जायगोट फॉर्म होने के बाद में क्या होता है, जायगोट एक प्रोसेस में जाता है, एक प्रोसेस में जाता है, और एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस में बना देता हूं कि ये जो चेंबर है, ये जो चेंबर था, ये जो सिंगल सेल थी, ये सिंगल सेल क्या करती है, डिवीजन फेज में चली जाती है। और यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है कि यहाँ पे सेम टाइप की, मतलब सेम क्रोमोसोमल फेज की बहुत सारी सेल बनती चली जाती है। पहले एक सेल बनती है, फिर दो सेल बनती है, फिर चार सेल बनती है, और फिर आठ सेल बनती है, और फिर ऐसे करते 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 क्या बनती है, 16 सेल बनती है, और फिर 32 बनती है, और फिर 64 सेल बन जाती है, और ऐसे सेल का नंबर बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि हर एक माइटोसिस का रिजल्ट होता है दो डॉटर सेल, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक नाम तो लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ माइटोसिस, मैंने यहाँ पे माइटोसिस लिख दिया, लेकिन यहाँ पे रियल में माइटोसिस नहीं हो रहा, यहाँ पे एक माइटोसिस का अलग नाम दिया गया। देखो क्या हो रहा है, ये जो बनके तैयार हुआ ना, इसे अपन बोलेंगे आगे जाके एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो, इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सी चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब जायगोट एम्ब्रियो बनाने में जो प्रोसेस चलती है उसे अपन सिंपली एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये तो बोल ही सकते हैं। चलो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियोजेनेसिस में, यहाँ पे जो माइटोसिस जो डिवीजन है उसे अपन क्लीवेज बोलते हैं। ये क्लीवेज क्या चीज है यार, माइटोसिस और क्लीवेज में क्या फर्क है, सिंपल सी बातें अपन यहाँ पे करेंगे। माइटोसिस और क्लीवेज में कोई बड़ा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है। देखो माइटोसिस में हर एक बार सेम टाइप की सेल बनेगी, सेम टाइप की सेल का मतलब 2n कंडीशन की सेल है तो 2n कंडीशन की सेल बनेगी। तो ये सारी की सारी जो भी सेल है, ये सारी की सारी जितनी भी सेल्स है, ये सारी की सारी सेल कैसी बनेगी, 2n कंडीशन की सेल बनेगी। लेकिन आप ध्यान से देखते जाना, जब भी एक ऑर्गेनिज्म में, जब भी एक सेल में माइटोसिस होता है तो सेम टाइप की सेल बनती है और सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है, एक तरीके से सेल की ग्रोथ होती है, एक तरीके से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। मुझे यहां से ध्यान से देख के बताना, इसके साइज में और इसके साइज में कोई फर्क है क्या, इसमें मैंने 16 सेल बना दी है, ये एक सेल है, इसमें 16 सेल है, इसके साइज में और इसके साइज में, मैं यहां पे ध्यान से अगर आप यहां से देखेंगे तो ये जो साइज दोनों का सेम है, लेकिन सेल का नंबर देखो कितना है, 16 सेल है, और यहां पे एक ही सेल है, एक सेल में का और 16 सेल का साइज, दोनों के चेंबर का साइज सेम है, और ऐसा ही होता है सच में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन के साथ में सेल का साइज घटता चला गया, सेल डिवीजन के साथ में सेल का साइज घटता चला गया। इसका मतलब साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट, अपन जिसे अपन बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म का कंटेंट, यहाँ पे एज इट इज रहता है, और सेल का नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो सेल का नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है, एक तरीके से सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का साइज इंक्रीज नहीं कर रहा। तो अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो अपन बोलेंगे माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस में सेल का नंबर बढ़ने के साथ में सेल की साइज भी बढ़ती है, सेल ग्रोथ कर जाती है। लेकिन ऐसा माइटोसिस जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है,
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज नहीं करता है, ऐसे माइटोसिस को अपन क्लीवेज बोलते हैं। क्या क्लीवेज आपको समझ में आया? और इसके बाद में एम्ब्रियो बनता है। अब मैं ये जर्नी को यहाँ पे मैंने बड़े पार्ट में दिखा रखा है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें ये है यूट्रस, ये यूट्रस है, ये यहाँ पे सर्विक्स है, और ये है यूट्रस कैविटी। ये जो खाली जगह है जहाँ पे ये सेल मास दिखा रखा है, इसे अपन यूट्रस कैविटी बोलते हैं, या फिर इसका नाम कॉर्पस बॉडी भी है। यूट्रस की जो कैविटी, इसे कॉर्पस बॉडी भी अपन बोलते हैं। ये वाला पार्ट फंडस है। इस यूट्रस में अपन तीन लेयर पढ़ते हैं। इनर मोस्ट जो लेयर है, तो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, वो एंडोमेट्रियम है। ये मसल वाली लेयर है जो ब्लैक कलर से मैंने दिखा रखी है, स्पिंडल शेप की, इसे अपन मसल सेल बोल देंगे। ये मायोमेट्रियम बोलेंगे, मायोलॉजी यानी होता है स्टडी ऑफ मसल सेल। तो ये है मायोमेट्रियम, और ये है पेरीमेट्रियम यानी आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो यूट्रस की, उसे अपन क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम बोलेंगे। क्या आपको लेयर समझ में आई? एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो भी है, मतलब यहाँ पे रप्चरेशन आता है, ये सेल का ब्रेकडाउन होता है, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। सिंपल बात है, अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने नीचे का स्ट्रक्चर नहीं बना रखा, लेकिन यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्री होती है, जो इस सिलोमिक कैविटी से ऐसे ओवम को कलेक्ट करती है। ओवम को यहाँ से कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करके कहाँ पे डाल देती है? फेलोपियन ट्यूब में, जिसे अपन ओविडक्ट भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब से जब एक एग आगे बढ़ता है, और एक रीजन आता है जिसे अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब में एक बल्ज पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, और उस फूले हुए पार्ट को अपन एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला ही क्या है? फर्टिलाइजेशन साइज है। अगर 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 स्पर्म सेल यहां से और ओवम सेल यहां से साइमल्टेनियसली इस एम्पुला रीजन में पहुंच गए सेम टाइम, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और मैंने यहां पे दिखा रखा है कि एक एन जो न्यूक्लियस है, और एक दूसरा एन जो न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद में क्या बनता है? ये फ्यूज करने के बाद में यहां पे बन जाता है यार 2N कंडीशन, और 2N कंडीशन में क्या बन जाता है? जायगोट बन जाता है। जैसे ही जायगोट बनता है, जैसे ही जायगोट बन के तैयार हुआ है, वैसे ही यहां पे क्या होता है, इसमें जो स्पर्म सेल के जो न्यूक्लियस के साथ में एक सेंट्रियोल आया था, और वो सेंट्रियोल यहां से इस साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर अपोजिट पोल की ओर चला जाता है, और स्पिंडल फाइबर बना लेता है, और एक तरीके से वो माइटोटिक फाइबर बना लेता है, और माइटोटिक फाइबर के बाद में सेल डिवीजन जस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल दो सेल बन जाते हैं एक चेंबर में। लेकिन आप यहां से ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो चेंबर है और ये वाला चेंबर है, इसकी साइज सेम ही रहती है, चेंज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का जो ये जो पाथवे है, इसका साइज अप डाउन नहीं करता है, सेम तरीके का डायमीटर रहता है। इस डायमीटर में सेम टाइप की सेल लगते हैं, अदरवाइज तो क्या होगा यार, यहाँ पे माइटोसिस वाला जो सीन हो गया, अगर माइटोसिस में सेल का नंबर के साथ में सेल की साइज अगर बढ़ती चली गई, तो क्या हो जाएगा, इस जायगोट के बाद में जो एम्ब्रियो बन के यहाँ पे जो सेल का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि मोरूला कंडीशन में अपन ने यहाँ पे सेल की नंबर की बात करें, कितने सेल यहाँ पे सेल का नंबर बहुत बढ़ जाता है, और इसके साथ में अगर साइज भी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं ये जो एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है, ये यहीं पे फंस के रह जाएगी, और यहाँ पे चिपक सकती है, इसका मतलब एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है। तो नेचर ने देखो कैसा खेल रचाया है, और नेचर ने खेल ऐसा रचाया है कि सेल का जो साइज है, इस चेंबर का जो साइज है, वो सेम ही रखेंगे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद में इसका साइज बढ़ाएंगे, उसके बाद में ही एक प्रॉपर डेवलपमेंट में इसे लेके जाएंगे। चलो, जायगोट से जब डिवीजन होता है, सेंट्रियोल यहाँ पे डिवीजन करने की कैपेसिटी, वो सेल को इंडिकेट कर रहा होता है, या फिर सेल को बता रहा होता है किस प्लेन से डिवाइड करना होता है, तो सेंट्रियोल यहाँ पे डिवीजन चालू कर देता है, और क्या करता है यार, एक सेल से दो सेल बनती है, और दो सेल से फिर चार सेल बनती है, चार सेल से फिर कितनी बनती है, आठ सेल बनती है, छह नहीं बनती है, आठ सेल बनती है, और आठ सेल से कितनी बनती है, ये आठ सेल है, और आठ सेल से बनती है फिर 16 सेल कंडीशन। तो आपको याद रखना है, 8 to 16 सेल्ड कंडीशन जो होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मलबरी जैसी स्ट्रक्चर होती, कैसी स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर, जैसे ये चेंबर है, और इसमें ऐसा कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है, मलबरी जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, इसे अपन ब्लास्टोमियर भी बोलते हैं, इसी मोरूला की ये सभी स्टेज को अपन ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ब्लास्टोमियर मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सेल होंगे, और इस पूरे चेंबर को अपन ब्लास्टोमियर ही बोलते हैं। ब्लास्टोमियर की वो स्टेज जिसमें 8 to 16 सेल कंडीशन है, उसे अपन मोरूला बोलते हैं। तो ब्लास्टोमियर को यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया, मोरूला। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 16 सेल बन गई, मैक्सिमम 16 सेल, 16 सेल के बाद में जब एक माइटोसिस और होगा, तो यहाँ पे कितनी सेल बन जाएगी, तो बोलते हैं 32 सेल बन जाएगी, और सेल डिवीजन करता ही चला जाएगा। अब क्या होता है, देखो धीरे धीरे चेंजेज होते हैं। मुझे बताना, यहाँ पे जो एक सेल था, उसके बाहर दो लेयर थी कि नहीं थी, तो मैं दो लेयर यहाँ पे बना के बता देता हूँ।
कि इस जायगोट बनने से पहले दो लेयर थी कि नहीं थी, एक में एक तो थी कोरोना रेडिएटा, एक थी जोना पेलिसिडा। पता होगा कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट लेयर होती है, जोना पेलिसिडा इसके अंदर वाली लेयर जो होती है। अच्छा जब इसमें स्पर्म सेल एंट्री करता है तो कुछ पार्ट को यहाँ से डाइजेस्ट कर देता है और इसकी पोलैरिटी चेंज कर देता है, एक तरीके से दूसरे स्पर्म के लिए ब्लॉकेज लेके आता है, जिससे क्या होता है अदर स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। चलो इसके बाद में क्या होता है, धीरे 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 जैसे ये सेल मास आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ये चेंबर आगे बढ़ता है तो कोरोना रेडिएटा की जो लेयर है वो यहाँ से टूटती चली जाती है, डिजोल्व होती चली जाती है। इसके बाद में ये जोना पेलिसिडा की जो लेयर है ये कब तक बनी रहती है, ये यहां तक एंड तक बनी रहती है। यहां पे बात करेंगे क्यों बनी रहती है एंड तक, इसके पीछे भी रीजन है। देखो सेल मास बढ़ता चला गया, सेल का नंबर बढ़ता चला गया और इसके बाद में मोरूला के बाद में जो स्टेज बनेगी उसे अपन बोलेंगे ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज यहां पे बन जाती है और ब्लास्टुला में क्या होता है, ये ब्लास्टुला में मतलब ये जो ब्लास्टोमियर जो है सीन है, ये ब्लास्टोमियर में सेल का नंबर बढ़ता चला गया और मैंने यहां पे बोला कि यहां पे 32 सेल बन गई। अब ये जो सेल डिवीजन मैंने इस तरीके से जो दिखाया है कि रेल में इस तरीके से कुछ नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता, एक एक तरफ से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब देखो इस तरीके से सेल का नंबर बढ़ता चला जाता है तो एक तरीके से एक तरफ सेल मास यहां से बनता चला जाता है और एक जगह खाली केविटी रहती है जिसमें कुछ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस या फिर साइटोप्लाज्म जैसा कंटेंट अवेलेबल हो सकता है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन को कराने में हेल्प करता है, एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड कराता रहता है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही सेल मास यहाँ से सेल डिवीजन करता है तो कुछ सेल यहाँ पे लेयर में अरेंज हो जाती है और एक नई तरीके की लेयर फॉर्म करना चालू कर देती है और उस लेयर को अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट बन गई, ये जो सेल, ये जो लेयर बनी है सेल की, इसे अपन ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। इसका मतलब एक एक लेयर पहले कोरोना रेडिएटा जो डीजनरेट हो गई थी, मतलब टूट गई थी, एक लेयर क्या बची थी जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा के अंदर एक लेयर और बन गई जिसे अपन क्या बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल, ये लेयर बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल की जो लेयर बन गई वो। इसके बाद में ये सेल डिवीजन आगे चलता चला जाएगा और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मैं बोलता हूँ 64 सेल कंडीशन यहाँ पे बनने लग जाएगी, मतलब इसमें माइटोसिस आगे होगा। अब देखो ये जो सेल का जो ये जो मास, ये जो सेल का जो नंबर, ये जो सेल है, ये सेल को तो अपन ट्रोपोब्लास्ट सेल बोलते हैं। इसके बाद में ये जो सेल है, ये सेल मास बन गया, एक तरफ जो सेल मास बन गया इसके अंदर ये खाली जगह बच गई, यहां पे पहुंचते पहुंचते और यहां तक जोना पेलिसिडा की लेयर प्रेजेंट होती है और यहां के बाद में ये क्या करता है, ये जोना पेलिसिडा की लेयर यहां से टूटती चली जाती है और इसके बाद में आगे ये जब यहां पे पहुंचता है ये सेल वाला ये चेंबर, तब ये जोना पेलिसिडा की लेयर भी पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाती है, मतलब हट जाती है। अब यहां तक क्यों बनी रहती है, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो ये ट्रोपोब्लास्ट की जो सेल थी, ट्रोपोब्लास्ट लेयर की जो सेल थी, ये जो डिविजन कर रही है, अगर ये यहां पे फ्री रहती तो मेरे को बताओ ये सेल यहां से फ्री रहती और यहां पे लिविंग पार्ट है और अगर इससे अटैचमेंट हो जाता तो कहीं ना कहीं ये सेल का जो चेंबर है यहीं पे रुक जाता और यहां पे रुकने से एब्नॉर्मलिटी क्रिएट होती और एब्नॉर्मलिटी क्रिएट होने से बचने के लिए एक आउटर मोस्ट लेयर जो जोना पेलिसिडा है वो यहां तक बनी रहती है और ये मैंने यहां पे टूटती हुई दिखाई भी है। देखो ये बीच बीच में मैंने खाली जगह छोड़ दी है, ये जोना पेलिसिडा की लेयर यहां से कंप्लीटली टूट जाती है यहां पे। अब ये फेजेस कितने दिन में होते हैं, कब होते हैं, यहां पे मैंने लिख रखा। देखो पहला जो क्लीवेज है वो फर्टिलाइजेशन के अब 34 आवर बाद में होता है, मतलब अभी जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसके 34 आवर 34 घंटे बाद में पहला क्लीवेज होता है, मतलब एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जायगोट अब जायगोट नहीं रहा, क्या बन गया है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चला गया, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस में पार्टिसिपेशन लेने लग गया आफ्टर 34 आवर। उसके बाद में बोलते हैं सेकंड डिवीजन कब होता है, सेकंड डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के 40, मतलब इसके 6 घंटे बाद में ही सेकंड डिवीजन हो जाता है। इसका मतलब एक सेल दो सेल जो बन गई थी वो अब दो सेल से कितनी बन जाएगी, चार सेल बन जाएगी 40 घंटे बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे बाद में चार सेल बन जाएगी। उसके बाद में जो थर्ड डिवीजन होता है, तो थर्ड सेल डिवीजन होता है मतलब चार से जब आठ सेल बनती है जो मोरूला कंडीशन में पहुंच जाता है वो होता है तीसरे दिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल पहुंच जाती है, फिर यहाँ पे सेल पहुंच जाती है, तीसरे दिन सेल यहाँ पे पहुंचती है। उसके बाद में बोलते हैं कि फोर्थ डे, तीसरे दिन यहाँ कहीं सेल घूम रही होती है और फोर्थ डे पे सेल यहाँ पे आ जाती है, मतलब इस समस्त रीजन में सेल आ जाती है। यहाँ पे आपको ये भी बात याद रखनी है कि ये जो रीजन होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, इस्तमस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस्तमस, ये इस्तमस है। इस्तमस में जो सेल है मतलब इससे जस्ट आगे क्या है, कॉर्पस बॉडी है, मतलब यूट्रस कैविटी है और इस सेल में ये सेल जो सेल मास जो है वो यहाँ पे कब पहुंचता है, ये यहाँ पे पहुंचता है चौथे दिन, चार से पांचवें दिन
चौथे से पांचवें दिन तक ये यहाँ पे पहुंच जाता है। और इसके पहुंचने के बाद में क्या होता है देखना, इसके पहुंचने के बाद में बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन मतलब ये सेल मास यहाँ पे आता है और आते ही नहीं एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में चिपक जाता है, नहीं सातवें दिन ये इसके साथ में चिपकता है। और किस प्रोसेस से चिपकता है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, और फिर उसके बाद में जो ये ब्लास्टुला में अलग अलग फेजेस बनते हैं, और वो फेजेस का मैंने यहाँ पे नाम भी लिख रखा। देखो ये जो कंडीशन है ब्लास्टुला कंडीशन है, इस पूरी सेल मास को अपन ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह है इसे अपन बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। सील यानी खाली जगह होती है, सिलोम, सिलोम। तो सेल मास जो है उसके अंदर जो खाली जगह उसे अपन ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। इसमें जो ये सेल है, इस सेल को अपन इनर सेल मास बोलते हैं, जो एक तरफ ज्यादा डिपोजिशन होता है और एक तरफ खाली जगह होती है। अच्छा आपको एक बात और याद रखनी है, मेमेलियन के केस में या फिर ह्यूमन के केस में, मेमेलियन के केस में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखो ये रहा क्लीवेज इन मेमेलियन जाइगोट, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब, होलोब्लास्टिक का मतलब ये होता है खाली जगह में सेल का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये इस तरीके से डिविजन नहीं होता, कुछ इस तरीके से एक एक साइड से डिविजन होता हुआ चला जाता है और एक तरफ सेल मास डिपोजिट होती हुई चला जाता है। अब देखो इस सेल, जो इनर सेल मास है, इसका नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेल ऑफ रोबर, सेल ऑफ रबर या फिर रोबर इसे अपन बोलते हैं, तो इनर सेल मास होता है और ये यहाँ पे पहुंच गया है। अब एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन हो गए हैं, और सात दिन में ये यहाँ पे क्या होगा, सातवें दिन क्या होगा, सातवें दिन यहाँ पे जो ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी होगी। आपको पता होगा साइक्लिक चेंजेस में जब भी ये लेयर टूटती है तो वापस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में ये एंडोमेट्रियम की लेयर वापस रिफॉर्म होती है, दोबारा से तैयार हो जाती है। और ये एंडोमेट्रियम की लेयर यहाँ से क्या सीक्रेट करती है, कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शन बना देती है, इस तरीके के प्रोजेक्शन। और इसी तरीके के प्रोजेक्शन इस सेल से भी बनते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट सेल से भी बनते हैं, और इस तरीके के प्रोजेक्शन इसके अंदर इस तरीके से एमेंडेंट हो जाती है, चिपक जाती है। और ये जैसे ही चिपकती है तो यहाँ पे क्या होता है, मदर की जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आती है और न्यूट्रिशन सप्लाई जस्ट स्टार्ट होता है। जस्ट यहाँ से एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा होता है और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे टू एन कंडीशन की जो सेल है और यहाँ पे भी टू एन कंडीशन की सेल है, और पता कर लिया जाता है कि हाँ यार ये फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, फॉरेन पार्टिकल होता तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है लेकिन फॉरेन पार्टिकल नहीं है, और ये यहाँ से चिपकता है। और फिर क्या होता है, सेल डिविजन इसमें स्टार्ट होता है एंडोमेट्रियम की लेयर में, और फास्ट सेल डिविजन होता है। और फास्ट सेल डिविजन से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये सेल डिविजन इतना फास्ट होता है और फास्ट होने के बाद में इस एंडोमेट्रियम की लेयर में ये पूरी तरीके से ये कैविटी इसके अंदर आ जाती है, और इसे ही अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन जैसे होता है तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे अपन कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, और ये जो लास्ट में ये कोरियोनिक विलाई वाला जो पार्ट है यहां से फिर आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है प्लासेंटा में, तो यहां से बनता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से जैसे ही प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है उसके बाद में मदर ब्लड सप्लाई से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इस डेवलपिंग गेस्टुला फेज को प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और गेस्टुला फेज जब बनती है तो गेस्टुला फेज बनती है 64 सेल से ज्यादा नंबर। अच्छा एक बात और याद रखनी है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है मतलब ये जो ब्लास्टोमियर जो है ये कौन सी सेल कंडीशन में यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पे 64 सेल कंडीशन होती है, 64 सेल कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है। और उसके बाद में जस्ट जो सेल डिवीजन होता है उसके बाद में जो फेज बनती है वो बनती है ब्लास्टुला से आगे की फेज, और ब्लास्टुला से आगे की फेज होती है वो होती है गेस्टुला, और गेस्टुला जो फेज होती है वो गेस्टुला फेज ही आगे डेवलप करती है, और वही आगे जाके डेवलपिंग जो फिटस होता है वो होता है, और फिटस जो बनता है वो इस गेस्टुलस फेज से ही बनता है। इसलिए इस पूरे प्रेगनेंसी टाइम पीरियड को इम्प्लांटेशन के बाद जो यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन के बाद ये प्रेगनेंसी को लीड करता है, इस पूरे प्रेगनेंसी टाइम को अपन गेस्टेशन भी बोलते हैं। तो गेस्टेशन और प्रेगनेंसी सेम बात है, तो गेस्टेशन गेस्टुला फेज में चलता है, ये गेस्टुला फेज बन जाता है इसके बाद में, और इसके बाद में क्या होता है ये एंडोमेट्रियम की लेयर इसके साथ में पूरी तरीके से चिपक जाती है और पूरी तरीके से एमेंडेंट हो जाती है, और इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद में चीजें स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे मैंने दो चार पॉइंट और लिख रखे हैं कि यार माइटोसिस और क्लीवेज में क्या फर्क है, तो माइटोसिस और क्लीवेज में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पे मैंने दो चार पॉइंट लिख रखे हैं, आपके दिमाग में हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए ये पॉइंट। देखो नॉर्मल केस में अगर सेल डिविजन करती है तो माइटोसिस से एक से दो सेल बनती है और सेल का साइज भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि वेरी शॉर्ट इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है भाई, एक सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में,
कि एक सेल साइकिल में ऐसे चार फेज बनाते हैं अपन, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये वाला मेन फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करती है। इसके अलावा यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो फेज होता है उसे अपन इंटरफेज बोलते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि माइटोसिस, जो नॉर्मल सेल में माइटोसिस चल रहा होता है, उसका इंटरफेज थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। इसमें इंटरफेज बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट इंटरफेज होता है, इसीलिए यहां पे जल्दी सेल डिवीजन हो पाता है। उसके बाद में बोलते हैं अगर इन ओनली जाइगोट क्लीवेज को नॉर्मल सेल में नहीं मिलता, ये ओनली और ओनली प्रेजेंट इन जाइगोट। उसके बाद में बोलते हैं कि यहां पे जो ये क्लीवेज जो चल रहा है उसमें हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती है, इसलिए जो मदर जिसमें अभी अभी प्रेगनेंसी जो सॉरी इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फेजेज चलती है उसमें एक फीमेल का जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, ऑक्सीजन कंजप्शन यहाँ पे बढ़ता है। उसके बाद में बोलते हैं साइज डिक्रीज विद एवरी डिवीजन ऑफ सेल। सेल नॉर्मल केस में अगर माइटोसिस करती है तो सेल का साइज भी बढ़ता है और सेल का नंबर भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन यहाँ पे सेल का साइज डिक्रीज करता चला जाता है। एक तरीके से माइटोसिस का थोड़ा उल्टा हो रहा है, सेल यहाँ पे साइज बढ़ना चाहिए, यहाँ पे कम हो रहा है क्लीवेज में। फास्ट डीएनए सिंथेसिस होता है। भाई यहाँ पे जो डीएनए है, इस एक सेल में एक ही डीएनए होगा, एक तरीके का डीएनए होगा, दूसरी सेल में एक डीएनए और चाहिए, तो डीएनए से डीएनए मतलब डीएनए रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे वेरी फास्ट होता है। ये कुछ अंतर आपको समझ जाने हैं कि क्लीवेज में कुछ ऐसा होता है और नॉर्मल माइटोसिस में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंटरफेज बड़ा होता है, ये नॉर्मल सेल में माइटोसिस होता है, ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे भी ठीक ठाक रहती है लेकिन इतनी नहीं रहती। उसके बाद में सेल का साइज बढ़ता है और साथ में डीएनए सिंथेसिस तो होता ही होता है सेल में, लेकिन यहाँ पे फास्ट होता है, वहां पे थोड़ा स्लो होता है जिस हिसाब से सेल का साइज बढ़ रहा होता है। ये सारी फेजे जो अगर आपने पढ़ी है तो इसे ही अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसमें कोई आपको डाउट है, कोई भी आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और यहाँ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के, जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज है, आप मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपको तुरंत आंसर दूंगा। ओके, और बहुत सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, बाकी अनर्गल क्वेश्चन आपको बाहर से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। ओके, थैंक यू।